ग्लास पैटर्न, आवर ग्लास पैटर्न इसमें जैसे एक पैटर्न बना हुआ है पिरामिड टाइप, इसमें स्टार प्रिंट है और स्पेस प्रिंट है। तो इसको हम दो पार्ट में देखेंगे, जैसे एक पार्ट ये हो गया हमारा प्रिंट, और इसमें हम एक मिरर इमेज के तौर पे हमें यहाँ पे अगर ग्लास लगाते हैं इस पोर्शन पे तो हमें नीचे की तरफ भी एक इमेज मिलती है, जिसे हम आप आवर ग्लास पैटर्न बोलते हैं। इसको बनाने के लिए हम कोड यहाँ पे लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, एक सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं, एन वेरिएबल, या उसको टाइप कास्टिंग कर दे इंटीजर में। इंटीजर के बाद हमें इनपुट लिया, इनपुट लेने के बाद हमने क्या कर दिया, इंटर योर चॉइस, जो जो जितने नंबर को आपको बनाना है आप चॉइस के तौर पे आप वहां पे डाल सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एक वेरिएबल लेते हैं के, के में हम क्या करेंगे, इन जितने हमारे इनपुट होंगे उसमें से हम दो डिक्रीमेंट कर देंगे, टू मीन्स एन माइनस टू करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फोर लूप लगाएंगे, फोर लूप में आई इन रेंज और एन, एन एन हो गया हमारा स्टार्टिंग। ठीक है, इसमें हम क्या क्या देखेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट देखेंगे, फिर हम देखेंगे स्टॉप क्या है, तो -1 पर स्टॉप हो जाएगा। फिर हम इसमें क्या डालेंगे, ये -1 स्टेप डालते हैं, मीन्स आप स्लाइसिंग देखेंगे जो वीडियो में है, हमारे प्लेलिस्ट में है स्लाइसिंग इंडक्शन, उसमें ये पैटर्न दिखा गया है स्टार्ट स्टॉप और स्टेप का। ठीक है, तो हमने इतना लिया स्टार्ट का स्टॉप का और स्टेप का। ठीक है, फिर इसमें हम एक फॉर लूप लगाते हैं, फॉर लूप लगाते हैं जे इन रेंज, तो रेंज इसमें क्या डालेंगे, जिस जो हम के लिए वो ये एन माइनस टू का के है एक वेरिएबल, उससे स्टार्ट करते हैं हम, और स्टॉप कहाँ पे करते हैं, 0 पे, और हमारा स्टेप क्या रहेगा, -1, एक एक माइनस होते जाएगा। तो मैंने स्टेप क्या डाल दिया, -1 का। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक प्रिंट करेंगे, क्या करेंगे हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट पहले करते हैं, एक प्रिंट करते हैं, प्रिंट क्या इंड, इंड प्रिंट कर देते हैं, इंड लास्ट में होता है तो इंड प्रिंट कर दिया हमने। फिर हम इसमें क्या करेंगे, एक और लूप यूज करेंगे, एक और लूप करते हैं जे, सपोज डेट हम जे यूज कर लें, फिर एक और हम जे ही कर लेते हैं, तो ठीक है, तो जे फोर लूप में हम क्या करेंगे, जे जे इन रेंज, रेंज रेंज हम क्या करेंगे, फिर 0 से स्टार्ट करेंगे। हमने यहाँ पे हमने इस पोर्शन पे हमने स्पेस प्रिंट कराया, और अब हम स्टार प्रिंट करेंगे, तो हम स्टार कहाँ से प्रिंट कर रहे हैं, 0 से, 0 से इंक्रीमेंट में हम क्या करेंगे, i+1 कर देते हैं, जितना आई आएगा इस रेंज में उसमें +1 ये इंक्रीमेंट होते जाएगा। ठीक है, और हम क्या करेंगे, प्रिंट प्रिंट क्या करेंगे, स्टार स्टार, और उसके बाद इंड में हम क्या डाल देंगे, स्पेस स्पेस डाल देंगे, एक फिर हम लूप से बाहर आके प्रिंट करते हैं, प्रिंट कर। अब यहाँ पे हमारा अभी भी एक काम बचा हुआ है, वो काम क्या है, हम इसमें के फिर से करेंगे, और इसमें k+1 का इंक्रीमेंट कर देंगे, जितना के हमारा इसमें आ रहा था उसमें हम एक और ऐड कर देंगे। अब देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। ठीक है, हमारा पैटर्न सबसे पहले ऐसा है, हम दो भाग में इसमें बनाना चाह रहे हैं, तो हमारा पहला भाग ये हो गया और दूसरा भाग नीचे का ये हो गया। ठीक है, दो भाग, तो हम पहला भाग क्या बनाते हैं, अब देखते हैं इसका आउटपुट, हमारा कोड तो लिख गया है पहला भाग का, अब हम इसका आउटपुट चेक करते हैं। आउटपुट चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, रन करते हैं प्रोग्राम को, रन करते हैं, और उसके बाद थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि सही से दिखे। ठीक है, और उसके बाद मैं 6 इंटर किया, इंटर 6 की इनपुट प्रोवाइड किया, और उसके बाद इंटर कर दिया, फिर हमारा एक पैटर्न बन गया, जो हमारे ये आगे का पैटर्न है, यहां से आगे का पैटर्न है, उसका आउटपुट हमें आ गया, और ये हमारा कोड भी बन गया, कोड। ठीक है, उसको अब हमें नेक्स्ट लेवल का बात करना है, नीचे का जो मिरर इमेज है, जो एक ग्लास का एक मिरर रख के बनाया गया है इस पोर्शन का, तो हम अब इसकी बात करते हैं, इसकी कोड को रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना सब कर पड़ेगा, सबसे पहले ऊपर से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, के से स्टार्ट करते हैं। के क्या कहता है, के कहता है हमें 2 से आप 2 × n से जितने वेरिएबल हैं, 2 × n से आप हमें गुना करो और उसमें से 2 माइनस कर दो, ये बोलता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से वही सेम प्रोसेस है, फोर लूप लगाएंगे, आई इन रेंज
रेंज, आई इन रेंज, फिर इसमें भी देखना हमें पड़ता है कि स्टॉप क्या है, स्टार्ट क्या और स्टेप क्या है। तो हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। अब नीचे हमें फॉरवर्ड की जगह बैकवर्ड, बैकवर्ड की जगह फॉरवर्ड यूज हो रहा है, मीन्स ऊपर से जो बन रहा था अब हमें सीधा नीचे से बनेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जीरो से स्टार्ट करते हैं और एन प्लस वन इंक्रीमेंट करते हैं, इसमें देखते हैं। ठीक है, एन को इंक्रीमेंट कर देते हैं वन से, फिर हम एक फॉर लूप और लगाते हैं, जे इन रेंज, रेंज हम जे को रेंज में कितना डालेंगे, फिर चलिए जे को फिर हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, जीरो से करते हैं और के तक जाते हैं। ठीक है, जीरो से स्टार्ट करके हम के तक जाते हैं, फिर हमें स्पेस प्रिंट करना होगा इसमें, तो स्पेस प्रिंट करने के लिए इंड इंड इक्वल टू स्पेस देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद फिर हम वहां पे इंक्रीमेंट किए थे, यहाँ पे डिक्रीमेंट कर देंगे, एन माइनस एन के इक्वल टू के माइनस वन का डिक्रीमेंट करेंगे, के माइनस वन का डिक्रीमेंट करेंगे, फिर क्या करेंगे, फॉर लूप लगा देंगे। फॉर लूप लगाते हैं फिर क्या, जे फॉर लूप लग जाएगा, जे इन रेंज रेंज रेंज, इसका स्टेप और स्टॉप देखना पड़ेगा, तो इसमें भी जीरो से स्टार्ट है और आई प्लस वन का इंक्रीमेंट है, आई प्लस वन का इंक्रीमेंट है, फिर इसमें हम क्या करेंगे, स्टार को प्रिंट करा देंगे, वहां पे स्पेस हमने प्रिंट कराया और यहाँ पे स्टार हम प्रिंट कराएंगे, इंड इक्वल टू स्पेस। ठीक है, और मैं लूप से बाहर आकर एक प्रिंट स्टार्ट करता हूँ, ये हमारा कोड रेडी हो गया। ठीक है, ये हमारा कुछ क्वेश्चंस है, ये फर्स्ट इमेज और ये उसका मिरर इमेज, ठीक है, ग्लास का ग्लास डाल के दिया गया है, और इसमें हमारा कोड पार्ट वन हो गया या पार्ट टू हो गया। ठीक है, अब इसको हम आउटपुट को देखते हैं, आउटपुट क्या है। ठीक है, तो आउटपुट देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको रन करना पड़ेगा, थोड़ा इमेज को छोटा कर देता हूँ ताकि आपको आउटपुट सही से दिखाई दे, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे रन करेंगे, रन करने के बाद हमें इंटर चॉइस प्रोवाइड करेगा, फिर हमें सिक्स डाल प्रेस करते हैं और ये हमारा आउटपुट आ गया, आउटपुट आप देख सकते हैं, आउटपुट क्या आ गया, पहला इमेज यहाँ से बन गया और दूसरा इमेज यहाँ पे बन गया। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया इसमें, मैं यहाँ पे देखता हूँ, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये है, एक पार्ट वन का और एक पार्ट टू का। ठीक है, तो हमने पहले पार्ट वन का यहाँ से इतना कोड लिखा। ठीक है, और फिर उसके बाद स्पेस और स्टार को प्रिंट कराते हुए सेकेंड पार्ट का मिरर इमेज का हमने यहाँ से कोड लिखा और यह हमारा आउटपुट हो गया, आउटपुट ये हमारा आ गया। चलिए, कुछ गड़बड़ आ रहा है तो मैं सही इसको कर देता हूँ, कुछ खराबी आ गया इसमें, फिर से आउटपुट चेक कर लेते हैं, आउटपुट हमारा क्या है, सिक्स, सिक्स इंटर करते हैं, देखिए हमारा ये आउटपुट हो गया, ये रियल इमेज हो गया और इसका मिरर इमेज ये आ गया। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।